आपने वो खबर कहीं पढ़ी क्या जिसमें एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े के आर्यन खान को दो चांटे मारे जाने का दावा किया गया है? अगर हाँ तो भाई इसकी सच्चाई भी जान लीजिए। वो क्या है ना, सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप की तो अलग यूनिवर्सिटी चल रही है, फेसबुक भी पीछे नहीं है भाई। खबरें पता नहीं कहां से बनाई जा रही हैं, कहां से अपलोड हो रही हैं, बस लॉगिन करो तो आर्यन खान ये, आर्यन खान वो, और इस ये और वो ने सबको कंफ्यूज कर दिया है। अब देखिए ना, शाहरुख के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ्तार क्या किया, ऐसी ऐसी खबरें आ गई कि या तो उन्हें देखकर हैरानी हुई या फिर हंसी आ गई। इनकी सच्चाई खोजने चले तो ना सिर मिला ना पैर। ऐसी ही एक खबर आई समीर वानखेड़े, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है, वो किसी को नहीं बख्शते हैं। द स्पीकर नाम का यूजर लिखता है, ये है मुंबई नार्कोटिक्स ब्यूरो के मुख्य अधिकारी समीर वानखेड़े, इन्हें बॉलीवुड असली सिंघम कहता है। बॉलीवुड पार्टी में ये तकिया कलाम है कि धुआं धीरे उड़ा नहीं तो वानखेड़े आ जाएगा, और वो किसी के बाप की नहीं सुनता। शाहरुख खान ने वानखेड़े को फोन कर कहा कि आर्यन का ध्यान रखना। इन्होंने कहा कि आप फोन चालू रखो, आर्यन को बुलाया और चालू फोन में आर्यन को दो चांटे मार दिए। शाहरुख गुस्से में तिलमिलाया तो वानखेड़े ने कहा, मिस्टर खान, अगर ये थप्पड़ आपने इसको पहले मार दिए होते तो आज ये इस हाल में मेरे पास नहीं होता। आपने बच्चों को पैसा दिया, आधुनिक सुख सुविधाएं दी, मगर एक बाप बनकर बच्चे को संभाल नहीं पाए, उसी का ये नतीजा है। ये पूरी स्क्रिप्ट द स्पीकर नाम के फेसबुक यूजर ने लिखी है। इस यूजर ने ऐसी मनगढ़ंत कहानी को फेसबुक पर शेयर किया है। अब कौन है ये द स्पीकर नाम का यूजर, कहां से ये स्पीक कर रहा है, हमारा मतलब है कहां से ये बोल रहा है, भाई हमें नहीं पता। खैर, इसे कुछ लोगों ने सच मान लिया और व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया। वैसे ऐसा पहली बार नहीं जब इस तरह की कोई खबर सामने आई हो। पिछले कुछ दिनों से आर्यन से जुड़ी ये भी खबर सामने आई थी कि वो कई दिन से सिर्फ पार्ले जी बिस्किट ही खा रहे हैं, उन्हें जेल का खाना अच्छा नहीं लग रहा है। अब जेल स्टाफ को भी उनकी चिंता होने लगी है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी आई हैं कि, आप भी कहेंगे हम क्या बता रहे हैं आपको, खैर सुनिए, कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आई हैं कि आर्यन 4-5 दिन से ठीक से फ्रेश नहीं हो पाए हैं। यार बताइए, ऐसी ऐसी खबरें आएंगी तो आदमी हंसेगा नहीं तो क्या करेगा। खैर, पहले तो आप ये जान लीजिए कि व्हाट्सएप फेसबुक पर किए जा रहे दावे ज्यादातर फर्जी होते हैं, इन पर आप ध्यान मत दिया कीजिए। तो ये जो दो चांटे जड़ने वाली खबर है, ये भी फर्जी है।